सो व्हाट्सअप गाइज, क्या हालचाल एंड गाइजर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आज का ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ ऐसा सीवी एडिटिंग करना आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप लोग को ऐसा एडिटिंग करना नहीं आता है वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। बट गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज तक ऐसा ट्रिक यूट्यूब पर कोई भी बंदा नहीं डाला होगा। और आप लोग एडिटिंग आज के देख सकते हैं कि कितना हार्ड आज का एडिटिंग हुआ है। देख सकते हैं पहले का फोटो कितना बेकार था, जो कि पूरा ही सिंपल था, फेस पूरा बेकार था और जो हमारा हेयर था वो भी पूरा बेकार था। बट गाइस, एडिटिंग के बाद फेस कितना ही लाजवाब तरीके से पूरा ही ज्यादा गोरा हुआ है। और आप लोग हेयर देख सकते हैं कि मेरा हेयर भी कितना लाजवाब तरीके से व्हाइट एंड ब्लैक कलर में एडिटिंग किया हूं। तो सब कुछ आपको बताऊंगा और क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड क्वालिटी है। और गाइजर सबसे मस्त तो बैकग्राउंड बनाए, देखिए कितना हार्ड बैकग्राउंड है, ग्रीन टोन में और येलो इफेक्ट लगाए किस तरह से, और शर्ट का कलर, पैंट का कलर आप लोग देख सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है गाइज, अगर आप लोग पूरा फुल वॉच करते हैं तो मेरा 100% गारंटी है कि आप लोग भी सेम मेरे जैसा एडिटिंग कर पाएंगे। उससे पहले एक और बात कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस पे कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है, हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना फोटो ले लेना, जो कि आप लोग मेरा फोटो देख सकते हैं, कुछ ऐसा फोटो आया था। तो आपको सबसे पहले सीवी एडिटिंग करने के लिए अपने फोटो क्या करना होगा, आप लोगों को ले चलना होगा कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और गाइजर ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आज तक आप लोगों ने ऐसा ट्रिक देखा नहीं होगा, और इस ट्रिक को जानकर आप लोग कितना ही ब्लैक फोटो को बहुत ज़्यादा व्हाइट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आना है स्नैपसीड में, और आपको जाना है डिटेल पे, और आप लोग तो जानते हैं एक ऑप्शन होता है डिटेल का, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसको पूरा फुल करना है, और फिर इसको भी लगभग इतना आप लोग कर देना। उसके बाद आपको सही पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, व्यू एडिट पे जाना है। आप लोग ध्यान से सभी स्टेप को देखिएगा, फिर आपको डिटेल पे जाना है, बीच वाले पे चले जाना है, फिर नीचे एक इनवेट का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको जूम करना है, और जूम करने के बाद इस तरह अपने फेस का जो इफेक्ट है उसको आप लोग को सिंपली हटा लेना है, फेस हो गया और जो आपका शरीर यानी कि शरीर पर से इफेक्ट हटा लेना है, बस बैकग्राउंड पे एंड आपके जमीन पे वो इफेक्ट रहने देना है। तो इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार और आपको फोटो को शेयर कर देना कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। देखिए बस आप लोग को इतना करना है, इतना क्यों करना है सब कुछ बताऊंगा। बैकग्राउंड इससे क्या होता है कि पूरा पूरा हार्ड सीवी बनता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में लेकर आना है, और लाइट रूम में आने के बाद आपको ऑल फोटो पे जाना है। जस्ट उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक ठो प्रीसेट, जो कि ये रहा प्रीसेट। तो इस वाले प्रीसेट को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, जो कि इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है, कॉपी सेटिंग पे जाकर आपको नीचे वाले को मार्क लगाकर आपको सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने फोटो पे आ जाना है, इस पे आएंगे, फिर आपको जाना है थ्री डॉट पे एंड आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए वन क्लिक और जो आपका बैकग्राउंड होगा कितना ही लाजवाब हो चुका है। तो आप लोग को बस इतना काम करना है, इतना काम के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फोटो को आप लोग कहाँ पे ले चलेगा, डायरेक्ट पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। आपको सारा कुछ बताऊंगा, ए टू जेड, फेस से लेकर हेयर से लेकर बैकग्राउंड तक का सारा जानकारी दूंगा। तो आपको सबसे पहले आना है पिक्स आर्ट में, और पिक्स आर्ट में आने के बाद आपको इफेक्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको कलर पे आना है, कलर रिप्लेस पे जाना है, और आपको क्या करना है, बैकग्राउंड का जो कलर है उसको आप लोग करना है ग्रीन, तो हम लोग करेंगे इस वाले ग्रीन को। उसके बाद आपको इफेक्ट पे जाकर आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम शर्ट जो है वो पहले वाला ब्लू कलर रहने देंगे। तो इतना काम आप लोग कर देना, इतना काम के बाद आप लोग क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद हम करने वाले हैं अपने फेस को स्मूथ। देखिए आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, जो कि ऐसा शॉर्टकट कोई नहीं बताता, सब लोग क्या करते हैं घुमाव ट्रिक आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को डायरेक्ट आ जाना है स्क्रेचबुक एप्लीकेशन के अंदर।
तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ब्रश वाले आइकन पे आ जाना है और आपको इस वाले ब्रश को लेना है, सेटिंग को सेम इतना रखना है। आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं सभी लोग अलग अलग ब्रश बताते हैं, ठीक है, आप लोग वही काम करते हैं जिसके चलते आपका फोटो खराब बनता है। तो गाइजर आपको कोई भी दूसरा ब्रश नहीं लेना, आपको यही वाला ब्रश लेना है हर एक फोटो बनाने के लिए। उसके बाद फोटो को पूरा जूम करके और आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से अपना जो चेहरा है उसको आप लोग को स्मूथ करना, देखिए कितना मस्त हमारा चेहरा स्मूथ हो रहा है। आप लोग बोलेंगे भाई तुम्हारे चेहरा पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तो गाइजर लाइट हम क्या करते हैं सबसे लास्ट में देते हैं, पहले हम करते हैं फेस को स्मूथ, उसके बाद हम करते हैं फेस पे लाइट। तो मैं क्या करता हूँ पहले लाइट देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से ब्रश चला रहा हूँ, जो कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने फेस का आकार के हिसाब से ब्रश नहीं चलाते हैं, आपको जैसे लगता है वैसे आप लोग ब्रश चलाते हैं, जिसके चलते आपका जो फोटो होता है वो खराब बन जाता है। तो गाइजर आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, देखिए मैं कैसे कैसे ब्रश चला रहा हूँ, आप लोग को भी इसी प्रकार से ब्रश को चलाना है तभी फोटो आपका पूरा ही गजब का बनेगा। देखिए कितना मस्त के चेहरा आपके सामने ही स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग क्या करना है, इसी प्रकार से आपका चेहरा जो उसको स्मूथ करना है। देखिए क्वालिटी लो है बट अभी मैं इसी फोटो को पूरा फुल एच डी करने वाला हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप लोग को इसी प्रकार से क्या करना, अपना चेहरा हो गया, फिर वो जो आँख के ऊपर का पार्ट हो गया, इसको भी आप लोग को इस प्रकार से स्मूथ करना है। कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, फिर मैं देख लेता हूँ अच्छे से कहीं पर छूटा तो नहीं, उसको भी आप लोग को इस प्रकार से स्मूथ करना है। फिर आप लोग को ये जो गर्दन हो गया इसको भी आप लोग को स्मूथ करना है, ऐसे ही। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, वैसे आपको भी करना है, ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको अपना काम करना है, देखिए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है। देखिए कितना लाजवाब तरीके से देख लीजिए गाइज, आपके सामने स्मूथ कर रहा हूँ, कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं गर्दन जो होता है ज़्यादा ये हार्ड स्मूथ कर देते हैं, तो आपको अपना गर्दन हार्ड स्मूथ नहीं करना है, आपको आराम आराम से ब्रश चलाना है, जो कि जिससे फोटो देखने में पूरा रियल लगेगा, ठीक है। तो आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सेम आपको भी करना है। देखिए देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त मेरा सारा कुछ स्मूथ हो रहा है, देख लीजिएगा गाइस कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। फिर आपका जो पैर हो गया इसको भी आप लोग को इस प्रकार से स्मूथ कर देना है, कितना मस्त है। तो आप लोग को इतना काम करना है, इतना काम के बाद आप लोग आइएगा इस वाले ऑप्शन पे, आपको प्लस पे जाना है, उसके बाद आपको इस पे आ जाना है। फिर आप लोग एक काम करिएगा, आपको नीचे जाना है और एक ब्रश मिलेगा, देखिए इस वाले ब्रश को लेकर कलर को लाल रखने के बाद आपको जो अपना ओट होता है इसको आप लोग को लाल कर देना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ इस प्रकार से इसको लाल करता हूँ, देखिए इस प्रकार से मार्क लगाऊंगा और लाल हो गया। फिर ओपसीटो को हम लोग क्या करेंगे, इससे लोक कर देंगे, इतना पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, इतना पे काम करने के बाद आपको मर्ज ऑल पे क्लिक कर देना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने फोटो को सेव कर लूँगा। देखिए सबसे पहले आपको अपने फोटो को सेव करना है, देखिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए मेरा फोटो नीचे सेव का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना, इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को, यानी कि फोटो का नहीं, हम क्या करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप लोग तो जानते हैं इससे क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लर होता है, बहुत कुछ इससे होता है। हम लोग सिंपली फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अपना फोटो यहाँ से ले लेना है। देखिए आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा, ठीक है, फोटो कैसे सेवी बनता है, फिर कुछ स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग के बाद देखिए हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो फिर देखिए नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तभी एक ऑप्शन आने वाला ब्लर का, तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है, जो कि आप लोग जानते हैं नेट के ऊपर डिपेंड रहता है, नेट जितना फास्ट काम करेगा उतना फास्ट ये ब्लर होगा, यानी कि सारा इफेक्ट काम करेगा। तो देखिए आप लोगों को सिंपली ब्लर पर आ जाना है, इस पे आने के बाद आप लोग को ध्यान से देखना है, आपको नीचे जाना है बैकग्राउंड पे और फिर आपको नीचे जाना है ब्लर पे, और आप लोग क्या कीजिएगा सबसे लास्ट वाला ब्लर को लेकर, एंड इस तरह आपको अपना फोटो जो है उसको ब्लर करना है। देखिए आप लोग ठीक है ब्लर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं डराए जाते हैं, यानी कि सोचते हैं फोटो खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को इतना ब्लर कर देना। देखिए अभी बैकग्राउंड मेरा सीवी नहीं हो रहा है, बट अभी बताऊंगा किस तरह सीवी करना है। फिर आप लोग को एडजस्ट पे आना है, एंड आप लोग को सिचुएशन पे जाकर सिचुएशन को भी कम से कम इतना आप लोग को हाई कर देना। देखिए मैं जितना हाई कर रहा हूँ इतना हाई आप लोग कर दीजिएगा। फिर तनी से नीचे चलता हूँ और ब्लर को तनी से लो करता हूँ, इतना पे कम से कम लो नहीं, आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, मैं इसको रखता हूँ कम से कम 80 या फिर 77। देखिए मैं इसको तनी से और हाई करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 80 के आसपास में। देखिए मैं इसको 83 नहीं, इसको मैं रखूँगा कम से कम, चलिए मैं इसको रखता हूँ 76 हो गया, एंड 77 में इसको रखता हूँ। उसके बाद आपको अपना फोटो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कहाँ ले चलना फोटो को, डायरेक्ट पिकसार्ट एप्लीकेशन के अंदर। चलिए हम क्या करते हैं इसको पिकसार्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं फोटो को।
तो देखिए मैं आ गया हूँ पीक साइट में। पीक साइट में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि नीचे का जो रोड है पूरा ही ब्लर है और बैकग्राउंड भी पूरा ही बेकार है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और ऐड फोटो पे आने के बाद आपको अपना फोटो ले लेना है जो कि बिना ब्लर वाला फोटो था, उसको लेंगे। और आपको इस तरह क्या करना, फोटो को पूरा जूमिंग करके देखिए पूरा बराबर बैठा कर आपको इरेज पे जाना है, फिर आपको इन्वेट करना है। उसके बाद आपको इन्वेट करना है, फिर आपको इरेज पे आकर सिंपली देखिए रीएक्सटोर पे आएंगे और आप लोग को इस प्रकार से नीचे करना है, ठीक है। इस तरह देखिए कितना हार्ड मेरा फोटो लग रहा है। उसके बाद आपको सही पे क्लिक करना है। देखिए इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए उसके बाद आपको सिंपली आना कहाँ पे, इफेक्ट वाले आइकन पे। और इस बार मैं आपको बताऊंगा सीवी बैकग्राउंड कैसे करना है। तो आपको आर्टिक्स पे आना, सबसे लास्ट में जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा फेटल वन का, इस वाले ऑप्शन को आप लोग को इनेबल करना है। इनेबल करेंगे कुछ ऐसा होगा, फिर आपको इस पे आना है, मल्टीप्लाई करना है और इसको लगभग आप लोग को इतना रखना है। उसके बाद आपको इरेज पे आना है और सिंपली आप लोग इस तरह बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है रही स्टोर पे एंड आपको अपने टी शर्ट पे इस तरह इसको अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड मेरा जो टी शर्ट है वो हो रहा है। तो आप लोग को इसी प्रकार से क्या करना, अपने शर्ट पे इसको अप्लाई कर देना है। कितना मज़ देखिए मेरा सारा कुछ हो रहा है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस जिस तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टेप को, सभी स्टेप को आप लोग को भी फॉलो करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सारा कुछ इफेक्ट अप्लाई कर दिया हूँ अपने शर्ट एंड अपने बैकग्राउंड पे। उसके बाद आप लोग को इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है, फिर आपको सही पे क्लिक करना है। देखिए इतना काम के बाद आपको एक काम और करना है, आपको आना है इफेक्ट पे और आपको इधर आना है ब्लर पे, और आप लोग को ब्लर वाले को लेकर इसको लगभग इतना हाई करके इतना पे हम लोग, ठीक है, इतना लेंगे। फिर आपको इरेजर पे जाना है, आपको इन्वेट करके आप लोग को इस तरह देखिए बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है कुछ देखने में प्रोफेशनल लगता है। तो आप लोग को इसी प्रकार से अपना जो बैकग्राउंड पे इसको अप्लाई कर देना, कितना हार्ड देखिए मेरा बैकग्राउंड लग रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको अप्लाई कर दीजिए, देखिए मैं इसको इतना पे अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है, फिर आपको आना है स्टिकर पे और आपको लाइट पे जाना है। इस वाले लाइट को लेकर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से देखिए इस लाइट को यहाँ पे लगाना है। एक बार देखिए यहाँ पे इस लाइट को लगाएंगे, फिर इसको लेंगे डुप्लीकेट करेंगे और तनी सा आप लोगों को यहाँ पे लेना है ऑफसेट को पूरा लो करना है। इस प्रकार से इसको लेंगे और इरेज पे जाकर आपको बैकग्राउंड पे इसको क्लिक कर देना है। देखिए ऐसे अप्लाई हो गया, फिर इसको ऑफसेट को लो करेंगे, फिर आपको डुप्लीकेट करना है, इसको लेना है यहाँ पे और इरेज पे जाकर आपको इसको भी क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। देखिए ऐसे ही आपको तनी तनी सा क्या करना है, बैकग्राउंड पे इसको यानी कि येलो टोन को अप्लाई कर देना। उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक ठो हेयर पीएनजी, उस वाले हेयर पीएनजी को भी आप लोग को लेना है। तो देखिए कितना हार्ड आज का हेयर पीएनजी होने वाला है, इस वाले हेयर पीएनजी को लेना है और आप लोग को अपने हिसाब से अपने हेयर पे इस प्रकार से सेटअप करना है। देखिए मैं जैसे सेटअप कर रहा हूँ ऐसे आपको भी सेटअप कर देना, देखिए कैसे मैं सेटअप कर रहा हूँ। तो आप लोग को ऐसे सेटअप करना है, कितना हार्ड मेरा हेयर हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दे दूंगा टैक्स पीएनजी, जो कि कॉम बेबी वाला टैक्स पीएनजी होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अपना टैक्स पीएनजी भी ले लेता हूँ फटाक से। देखिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, आपका भाई आप लोगों को सारा कुछ आसानी से सिखाएगा। तो इस वाले टैक्स पीएनजी को लेना है, फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है और इसको हम क्या करेंगे, सिंपली स्कैन करके इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे हम इसको इतना पे बैठाएंगे और इस वाले को हम लोग ऐसे इरेज कर देंगे। कितना हार्ड देखिए ये हो चुका है। उसके बाद हमको लगाना है यहाँ पे एक ठो कोई टैक्स पीएनजी या फिर कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए कुछ भी लगा देता हूँ वहाँ पे ताकि फोटो मेरा बिल्कुल ही मस्त लगे। तो मैं पीएनजी में चलता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस वाले पीएनजी को लेता हूँ और ऐड पे क्लिक करके इसको भी सिंपली क्या करना है, ब्लेंड करना है, स्किन करना है और इसको आप लोग को यहाँ पे लगा देना। कितना गजब का देखिए मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है। बट अभी आपको एक और काम करना है, अपने फोटो को कहाँ पे ले चलना है, डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए मैं मोर पर जाता हूँ और आपको क्लिक करना है स्नैपसीड में। उसके बाद आपको सिंपली इस पर आना है, आपको सिलेक्टिव पे जाना है, फिर आप लोग इस प्रकार से क्या कीजिएगा, अपना देखिए ब्राइटनेस को हाई करके इसको लो कीजिएगा, यानी कि जहाँ पे भी आपको लाइट कम लगे वहाँ पे यही काम करना है, ब्राइटनेस को हाई करके सिचुएशन को लो। फिर देखिए यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस कम है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ब्राइटनेस को हाई कर देता हूँ। देखिए आप लोग को इसी प्रकार से क्या करना है, हर जगह फेस पर लाइट को दे देना। देखिए मैं जैसे लाइट को दे रहा हूँ ऐसे आपको भी लाइट को दे देना। देखिए कितना गजब का, देख लीजिए मैं आपके सामने लाइट को दे रहा हूँ, कितना हार्ड लाइट दे रहा हूँ, देख लीजिए गाइज बिफोर एंड आफ्टर। तो ऐसे आपको काम करना। उसके बाद आपको एक और काम करना है, देखिए मैं तो नहीं सक क्या करता हूँ, यहाँ पे भी लाइट को दे देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है। देखिए लाइट को देने के बाद आपको फोटो को कहाँ पे ले चलना, डायरेक्ट लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। और ये सबसे लास्ट वाला स्टेप होने वाला है, जो कि इस स्टेप में एकदम तहलका मचने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। तो आपको आना है लाइट रूम में और आपको क्या करना, अपना फोटो यहाँ से ले लेना है। देखिए फोटो लेने के बाद आपको सबसे पहले आना कहाँ पे, कलर पे, मिक्स पे जाना है और आपको ग्रीन टोन में जाकर इसको हाई करके इसको आप लोग को लो करना है। देखिए इस प्रकार से देखिए कितना गजब का देखिए मेरा बैकग्राउंड हो रहा है। तो आप लोग इतना काम कीजिएगा, फिर आपको आना कहाँ पे, इस वाले कलर पे, इसको पूरा हाई, फिर इस पे आकर इसको भी पूरा हाई। देख सकते हैं आप लोग जो शर्ट है वो कितना लाजवाब हो चुका है। तो आप लोग इतना काम करना, उसके बाद फेस को भी इतनी से चमक आप लोग को दे देना है। और फेस आप लोग को जिस टोन में रखना होगा उस टोन में आप लोग रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, फेस को तनी से ब्राइटनेस करता हूँ हाई, और फिर एक नाव पे आकर तनी से लिप्स जो है उसको भी लाल में कर देता हूँ। इस प्रकार से देखिए मैं इस प्रकार से इसको करता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऐसा हो चुका। फिर इसको लो करना है, इसको हाई, इसको हाई, इसको हाई। फिर आप लोग को आना है इफेक्ट पे, क्लैरिटी को हाई करके आप लोग को यूनिट को लो कर देना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गाइज फोटो कितना हार्ड से भी बन चुका है। तो आप लोग यहाँ से और भी एक दो सेटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना हार्ड चमक आ चुका है। एंड इस पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी इतनी से चमक देता हूँ देखिए इस प्रकार से। तो देख लीजिए गाइज आज का फोटो आप लोग के लिए कितना लाजवाब हो चुका है, जो कि मैं जानता हूँ कि आप लोग को सारा का सारा कुछ समझ में आया है। और देखिए मैं आप लोग को सेम टू सेम एडिटिंग सिखलाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।